हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी चीज़ी पाव। उसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है पिज़्ज़ा सॉस, ये पास्ता में भी यूज होती है और पिज़्ज़ा में भी। और उसके बाद मैंने लिए हैं मोज़रेला चीज़, क्योंकि ये चीज़ी पाव है। और उसके बाद हम लेंगे मेयोनीज़, ये वेज मेयोनीज़ है। और ये सारे और स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, ओनियन, चीज़, कैरेट, टमाटो और सबसे मेन पाव, ये सब हमने ले लिया है। और चलिए अब हम बनाते हैं। और अमूल बटर, जो मैंने पहले नहीं बताया, ये भी यूज़ होगा। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक बाउल, जिसमें हम इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑनियन। मैंने एक बड़ी ऑनियन ली है, फाइन चॉप कर ली और इसके अंदर ऐड कर दिया। और एक ली है कैप्सिकम, उसको भी फाइन चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। कैरेट की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम ली है, स्वीट कॉर्न की क्वांटिटी मैंने बहुत अच्छे से ली है, टमाटो की क्वांटिटी कम, चीज़ मैंने मीडियम लिए हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो जैसा आपको पसंद हो, जौन सी वेज आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो पसंद नहीं हो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सब मैंने ले लिया। और इन सब को मिक्स करने से पहले हम इसमें स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। और अब कर लेते हैं हम इन सब को अच्छे से मिक्स। जो सॉल्ट है वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए, कम या ज़्यादा कहीं पर ना हो, इसलिए इसको हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड करनी है मेयोनीज़। मैं 4 से 5 चम्मच मेयोनीज़ इसी के अंदर ऐड कर लूँगी। और उसके बाद इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। इन सबको आप जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा, मीनिंग इक्वल आएगा। कहीं पर कैप्सिकम या कहीं पर टमाटो ज़्यादा नहीं होंगे, हर एक बाइट में टेस्ट इक्वल आएगा। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं साइड पर और ले लेते हैं पाव। ये पाव हमने ले लिए, जो 6 का सेट आता है वो ज्वाइंट होते हैं, वो वाले मैंने पाव लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसको कर लेंगे कट। ये देखिए, ये फ्रेश पाव है, चेक करके लीजिएगा। और उसके बाद अब हम इसको इक्वली कट करेंगे, ये ऊपर नीचे ना हो। तो उसके लिए आप इसको पहले ऊपर से थोड़ा सा हाथ से सेट कर लीजिए, और उसके बाद बड़ा वाला जो नाइफ होता है उससे आप इसको कट करिएगा, छोटे वाले नाइफ से ये कट नहीं होंगे। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिए। और इसका टॉप और बॉटम को अलग अलग करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से इक्वली स्प्रेड करिए टॉप और बॉटम पे पाव के। और उसके बाद ये देखिए, मैंने दोनों पे अच्छे से लगा ली है। और उसके बाद हम इसके अंदर जो फीलिंग हमने बनाई थी वो इसके अंदर हम लगा देंगे। बट उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड फ्लिक्स। रेड फ्लिक्स की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सीजनिंग। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इनको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। चलिए अब हम पाव पर लगा लेते हैं मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी हमें ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि ये चीज़ी पाव है। तो इसको आप अच्छे से इस पे लगाइए ज़्यादा ज़्यादा मोज़रेला चीज़। ये देखिए, मैंने इस पे अच्छे से लगा दिया है, अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। और उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे जो हमने मिक्स करके रखी थी सारी कैप्सिकम, ओनियन, स्वीट कॉर्न, चीज़, सीजनिंग, ये सब इसके ऊपर अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि हर बाइट में टेस्ट जो है वो बहुत ही इक्वल आए, कम ज़्यादा नहीं हो। ये आप देखिए, मैंने अच्छे से इसको पाव के ऊपर जो बॉटम था उसके ऊपर इक्वली लगा दिया। और उसके बाद इसके ऊपर अब हम ऐड कर रहे हैं मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ मैंने 2 बार यूज़ करा है, एक बार पाव के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने फिलिंग रखी, और उसके ऊपर फिर मैं एक बार यूज़ करी। अगर आप करना चाहें तो आप इसको एक बार भी कर सकते हैं, बट ये चीज़ी है इसलिए इसको मैंने 2 बार करा है एक्स्ट्रा चीज़ के लिए। और उसके बाद हम इसके ऊपर रख देते हैं
ऊपर का टॉप जो हमने कट करके रखा था पाव का, और उसके बाद हम ले लेते हैं एक फ्राई पैन और उस पर हम लगा लेंगे थोड़ा सा बटर, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हमें लगाना है। उसके अंदर हम रख देंगे क्रिस्पी चीज़ी पाव बनने के लिए, क्योंकि अभी ये क्रिस्पी नहीं हुए, और उसके ऊपर हम इस पर दोबारा से थोड़े से बटर लगा देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे जिससे ये पूरे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। ये देखिए हमारे जो क्रिस्पी चीज़ी पाव हैं बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही डिलीशियस है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एंड में हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी रेड फ्लिक्स, और थोड़ी सी रेड फ्लिक्स मीनिंग हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्प्रिंकल करनी जिससे इस पर थोड़ा सा अच्छा सा टेक्स्चर आ जाए। और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे सीजनिंग। ये दोनों चीज़ें हमें करनी है स्प्रिंकल, और ये बिल्कुल हो चुके हैं खाने के लिए रेडी। तो अब हम कर लेते हैं इनको सर्व एक सर्विंग प्लेट में, और अगर आप इसके साथ खाना चाहें तो आप केचप भी ले सकते हैं, बट इसमें सीजनिंग है तो हम इसके साथ केचप यूज़ नहीं कर रहे। ये देखिए बहुत ही सिंपल प्लेटिंग है, बट जो डिश है वो बहुत ही टेम्प्टिंग है, टेस्टी है, सिंपल है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय क्रिस्पी चीज़ी पाव।